ये उस हुजरे का ताला मुबारक और उसकी चाबी, और उनसे मुझे तोहफे में मिला। और उन्होंने मुझे ये बताया कि मदीना में जो दरख्त था उसे टेक लगा के बैठते थे, ये उस दरख्त का तना है। ये जो शीशियाँ पड़ी हैं बेसिकली इतर की, इनमें इतर है और इतर के साथ हुजूर का पसीने मुबारक के कुछ कतरे मिक्स हैं। इस बॉक्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज इमामा शरीफ जो है उसका पीस मौजूद है। पिछले कुछ अरसा पहले अपने घर में जोबा मुबारक खोला था इसी कमरे में, तो पूरे घर में नीचे फ्लोर तक। कुछ लोगों से सुनने में ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक हैं वो अभी भी जिन जिन लोगों के पास मौजूद हैं वो बाल ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। इस बात में कितनी हकीकत है आप एक्सप्लेन करेंगे? कि जिस चीज के ऊपर हुजूर का नाम मुबारक आ जाए उस पर आंखें बंद और सर झुका लेना चाहिए। बस सर झुकाने के बाद अल्लाह ताला आपको तरक्की और इज्जत और मकाम। किसी के पास हुजूर के बाल मुबारक है, किसी के पास हुजूर का जुबा मुबारक है। आपके पास इरसलान भाई कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी तबरकात में से कोई ऐसी तबरक मौजूद है जो पूरी दुनिया में आप कह सकें कि सिर्फ मेरे पास मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुहेब चौधरी, और आज हम एक ऐसी मुबारक जगह पर इंतहाई मुबारक तबरकात के साथ मौजूद हैं जिन तबरकात की ज़ियारत करना हर मुसलमान के लिए बात से फ़ख्र और बात से शर्फ होता है। मेरे और आपके नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात, जिनका इस्म मुबारक अपनी ज़ुबान पर लिए बगैर कोई शख्स दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, इस मुबारक जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मौजूद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक की मिट्टी मौजूद है, और इस मिट्टी से एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है कि सूंघने वाले का ईमान ताज़ा हो जाए। ये जो आप ताला देख रहे हैं ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताला और उसकी चाबी मौजूद है। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी का जुब्बा मुबारक भी मौजूद है, और उनकी तलवारों के रेप्लिकास भी मौजूद हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की। और ये सब मुबारक तबरकात पाकिस्तान के जिस खुशकिस्मत शहरी के पास मौजूद हैं, उनका नाम है सैयद अरसलान गिलानी। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सब तबरकात इन्होंने कहाँ से लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अल्लाह का फजल। अरसलान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतने खुशकिस्मत हैं, इतने तबरकात आपके पास मौजूद हैं, आपने ये तबरकात हासिल कहाँ से किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तबरुकात और ख़ासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और मोहब्बत जो है मेरे ख़ानदान से चली गई, और विरासत में ख़ासकर मेरे वाले साहब की तरफ से मुझे विरासत में मिली है हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का अदब, और अदब की ही वजह से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल तबरुकात हुजूर के जुज़ मुबारक, मतलब कि हुजूर के बाल मुबारक और दीगर तबरुकात, कुछ कॉपीज उसमें रेप्लिकाज हैं, कुछ इस्तेमाल शुदा तबरुकात हरमैन के और मुख्तलिफ जगह से मुझे मिले हैं। अगर इस ताला मुबारक की बात की जाए, ताला भी मौजूद है और बहुत खूबसूरत किस्म का इसके ऊपर लिखा गया, ये बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है? जी, ये ताला जो बेसिकली इसको कुफल कहते हैं, रोज़े रसूल को ताला लगाया जो जाता है, बेसिकली एक्चुअली असल में वो हज़रत बीबी फातिमा का कमरा जिसको हुजरा मुबारक कहा जाता है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के दोनों असहाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु आराम फरमा रहे हैं, ये उस हुजरे का ताला मुबारक और उसकी चाबी। और बेसिकली इसके ऊपर कसीदे बुद्दा शरीफ के कुछ अशार लिखे हुए हैं जो पुराने दौर में ऑटोमन एम्पायर्स के ज़माने में मतलब के लिखे गए थे। अब रोज़े रसूल के इर्द गिर्द भी जो दीवार है उसके टॉप के ऊपर भी हुजरे मतलब हुजरे मुबारक का ही कसीदा लिखा गया हुजूर की शान के अंदर, तो ताले का भी उसी से लिंक था और ताला भी उसी की ही नस्बत से उसी के अशार मतलब के उस पर लिखे गए हैं। आपके पास इरसलान भाई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तबरकात में से कोई ऐसी तबरक मौजूद है जो पूरी दुनिया में आप कह सकें कि सिर्फ मेरे पास मौजूद है, आपको ये शर्फ हासिल हो कि वो चीज़, वो तबरक आपके पास है? अब मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की कि किसके पास क्या है और मेरे पास क्या मौजूद है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तबरुक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है, और हम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन तबर्रुक जो होना चाहिए जो हुजूर की निस्बत है और हुजूर से ताल्लुक है, हुजूर के साथ कनेक्शन जो रिलेशनशिप है वो सबसे बेहतरीन तबर्रुक है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए बेसिकली सबसे पहला फोकस अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हुजूर की सुन्नतों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िंदगी के मामलात थे
उनका अखलाक और हुसन कुफार के साथ भी बेसिकली जिस तरह का अखलाक था हुजूर का टोटली डिफरेंट था। असल में तो वो तबरुक मतलब के देखा जाता है कि मुतबर्रिक चीज़ें जो चली आती हैं हुजूर की नस्बत से बेसिकली जो आई हैं, नस्बत रसूल बेसिकली मुतबर्रिक है हम लोगों के लिए। तो हम कोशिश भी ये करते हैं कि हुजूर का अदब और इश्क हमें मिल जाए, देन उसके बाद जाके ये चीज़ें हुजूर खुद अता करते हैं। तो आप हुजूर से इश्क करें, उनका अदब, अदब सबसे पहला, क्या बुजुर्ग कहते हैं कि अदब पहला करीना मोहब्बत के करीनों में। तो जिस मुसलमान को हुजूर का अदब इंतहा का मिल गया ना, फिर उसके बाद हुजूर का इश्क जो है वो दरबार नबवी से मिलता है, हुजूर खुद उसको अपना इश्क देते हैं, हुजूर अपने इश्क से नवाजते हैं। फिर उसके बाद जो जिस जिस मुसलमान का हुजूर से ताल्लुक बेहतरीन हो जाए, फिर हुजूर उसको अपने तबरुकात से नवाजते हैं। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर, चेचीनिया है, टर्की है, कतर है, मदीना मुनव्वरा के रहने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान फैले हुए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ मुसलमानों के पास हुजूर के मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। किसी के पास हुजूर के बाल मुबारक है, किसी के पास हुजूर का जुबा मुबारक है, तुर्की के अंदर माशाल्लाह से बहुत तबरुकात मौजूद हैं। तो उसी की मतलब के नस्बत से, वसीले से, तुर्कियों के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, चेचीनिया वालों से अच्छा मामला आता है, जिनके थ्रू मुझे काफ़ी तबरुकत मतलब के मिले हुए, मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के ताल्लुकात हैं। मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है जो मुसलमान को, एक आम बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाती है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अब ये जो आपने एक गैलरी माशाल्लाह खूबसूरत किस्म की बनाई है, इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल वाइज नाज़रीन को आप बताएं, ये जो बाल मुबारक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसकी क्या हिस्ट्री है, आपके पास कैसे आया, और इसके कुछ ऐसी यूनिक चीज़ जो आप लोगों को, आम लोगों को नहीं पता इस बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुए मुबारक है, जिनको उर्दू में बाल का वर्ड दिया जाता है, बाल मुबारक बेसिकली हुजूर का सहाबा इकराम के ज़माने से ही बेसिकली ये सहाबियों का तरीका है। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को भी तोहफे में हुजूर के नाखून मुबारक भी थे, हुजूर के बाल मुबारक भी थे। इसी तरह हज़रत तलहा के बारे में काफ़ी मशहूर है कि हज के मौके पर हुजूर ने तोहफ़तन हज़रत तलहा को अपने बाल मुबारक दिए और फरमाया कि बाकी सहाबा इकराम है, बाकी मुसलमानों में इसको तकसीम कर दिया जाए। इसी तरह से बीबी उम्मे सलमा के बारे में रवायत आती है कि उनको भी हुजूर के बाल मुबारक तोहफे में मिले थे। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जब कोई बीमार होता था अहले मदीना में से, तो हज़रत बीबी उम्मे सलमा उस बाल मुबारक को पानी में घोल के उस पानी को अहले मदीना में तकसीम करते थे मतलब के। तो सहाबा कराम को उस बाल मुबारक के पानी से ही शिफा मिला करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से सहाबा कराम से चला आ रहा है ये सिलसिला। था कुछ लोगों से सुनने में ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक हैं वो अभी भी जिन जिन लोगों के पास मौजूद हैं वो बाल ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, इस बात में कितनी हकीकत है, आप एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल, सुनने में बिल्कुल इस तरह से बातें आती हैं। हमारे मशाइख और उलमा इकराम जो हैं बेसिकली उन्हीं से हम लोग सीखते हैं, और उलमा के अंदर से भी हमें ये चीज़ें सीखने को मिलते हैं कि हुजूर का अदब तो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जहाँ पे बाल मुबारक का आपने जिक्र किया, हुजूर के बाल मुबारक के बारे में एक बात बहुत नॉर्मल है, आम मुसलमानों में मशहूर है कि हुजूर के जो बाल मुबारक हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसकी शाखें निकलती हैं, ठीक है। इसी तरह से जब उनके सामने दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, कसरत से जिक्र किया जाए, तो वो भी उसको महसूस करते हैं। मुझे एक बुजुर्ग मिले, कहते हैं कि तबरुकात की जो खुराक है, हर चीज़ की खुराक रखी है अल्लाह ताला ने, जो हुजूर के तबरुकात और मुबारक चीज़ों की जो बेसिकली खुराक है वो अल्लाह ताला का जिक्र और दुरूद शरीफ है। तो इस तरह से मुए मुबारक के बारे में जो जिक्र आया, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें देखने में आती हैं, कुछ बाल मुबारक जो हैं वो ग्रो करते हैं, कुछ बाल मुबारक उसकी लेंथ मतलब की लंबी होती है, कुछ की मतलब शाखें निकलती हैं, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ने पे जिक्र भी मतलब के जिक्र असकार के मामलात होते हैं, मुख्तलिफ मतलब चीज़ें देखने में आती हैं इसमें। और कुछ इस तरह से भी हैं कि जहाँ पर हुजूर के तबरुकात मौजूद हैं, और बिल्कुल मैं आपके चैनल के ज़रिए से एक पैगाम भी दे दूं कि जिसके पास हुजूर के बाल मुबारक मौजूद हों उसके बारे में कभी भी आप ये इस शुबे में मत पड़ें कि यार इसकी शाखें नहीं निकल रही या ये ग्रो नहीं कर रहे, इस चीज़ से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने जो चीज़ सीखी है वही चीज़ मैं आगे बताना चाहूँगा कि भाई मैंने तो ये चीज़ सीखी है कि जिस चीज़ के ऊपर हुजूर का नाम मुबारक आ जाए उस पर आँखें बंद और सर झुका लेना चाहिए, बस सर झुकाने के बाद अल्लाह ताला आपको तरक्की और इज्जत और मकाम देगा बस। अच्छा अरसलान भाई, ये लकड़ी का एक टुकड़ा जो पड़ा है, इसकी ये क्या तबरकात है, और ये इसको थोड़ा सा आप बताएं। ये लकड़ी का जो मुबारक टुकड़ा है ये बेसिकली मदीना मुनव्वरा के एक सैयदजादे थे, उनसे मुझे तोहफे में मिला, और उन्होंने मुझे ये बताया कि मदीना में जो दरख्त था हुजूर उसे टेक लगा के बैठते थे,
ये उस दरख्त का तना है, ये उस दरख्त का पीस है। इसके अलावा ये झाड़ू मुबारक पड़े हैं, ये किस परिंदे के परों से बने हैं? ये शुतुरमुर्ग और मोर के परों से बेसिकली हुजूर मुबारक का मामला होते थे वहाँ पे तुर्कियों के ज़माने से, मतलब ये ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे। आज भी इन्हीं झाड़ुओं को, इन्हीं मोर के परों को इस्तेमाल किया जाता है अदब की वजह से, ताकि आवाज़ बुलंद ना हो। तो आवाज़ से बेअदबी से बचने के लिए मोर के पर इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे, मतलब कि हरम की दीवारों पे, रोजे रसूल की जालियों पे जब ये मोर के पर लगते हैं तो इनको भी बरकत हासिल होती है उनसे। अच्छा, और ये जो बाकी तबरकात मौजूद हैं, देखने वालों को आप अगर बता सकें और साथ साथ एक्सप्लेन कर सकें, इस बॉक्स के अंदर कौन सा तबरक मौजूद है? इस बॉक्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज इमामा शरीफ जो है उसका पीस मौजूद है। मैं उसकी आपको ज़ियारत कराता हूँ आपके ऑडियंस को। ये मुझे कतर के हमारे दोस्त हैं एक अरबी, उनसे मुझे तोहफे में मिला है। और पाकिस्तान में बाशे मस्जिद के अंदर सब्ज इमामा मौजूद है हुजूर का, और उसी की नस्बत से, मतलब उसी का रंग, सब्ज रंग अल्हम्दुलिल्लाह नस्बत रखता है, उसी की नस्बत से मुझे ये मिला। और ये वो तबरुकात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हर पाकिस्तानी देखने की, हर मुसलमान देखने की हसरत रखता है, जो डिजिटल पाकिस्तान के ज़रिए हम अपने देखने वालों को दिखा रहे हैं। अरसलान भाई, ये बताएं कि ये जो क्या चीज़ है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, ये कौन सा तबरक है? ये गुंबद खजरा शरीफ मदीना मुनव्वरा में जो सब्ज गुंबद है उसके इस्तेमाल में, मतलब आई है सीढ़ी मुबारक की, तीन मुबारक जी सीढ़ी मुबारक है लकड़ी की, साथ में रस्म मुबारक भी लगा हुआ जो गुंबद खजरा पे ऊपर गुसल के लिए और रंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वही रंग जो है वो सीढ़ी की लकड़ी के ऊपर भी है और रस्से के ऊपर भी लगा हुआ है। ये मुझे मदीना मुनव्वरा से तोहफे में मिला। ये तीन या चार स्टेप्स, कितने स्टेप्स आपके पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तीन स्टेप्स हैं, साथ रस्म मुबारक भी है उसके साथ, जो मतलब के स्टिच हुए हैं, जुड़े हैं मेरे साथ उसके साथ ही। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आप आए मेरे साथ। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, मुंह मुबारक हैं, ज़ुल्फ़ मुबारक के, ये बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, और इसके बारे में काफ़ी रवायात सुनने में आती हैं। बीबी उम्मे सलमा के पास हुजूर के बाल मुबारक थे, और बरकतें सहाबा कराम का, अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीके सहाबा कराम का है कि हुजूर के बाल मुबारक से बरकतें हासिल करना। और साथ ही साथ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक, जो कि खुशबू में, इस चीज में नबी पाक का पसीना मुबारक मौजूद है जी। ये जो शीशियाँ पड़ी हैं बेसिकली इतर की, इनमें इतर है और इतर के साथ हुजूर का पसीने मुबारक के कुछ कतरे मिक्स हैं। इसमें दो जो पड़ी हुई है, एक जो है वो मुझे यमन के एक दोस्त है उनसे तोहफे में मिली थी, और एक जो है वो साइप्रस टर्की के शेख नाजिम जो हैं उनके वसीले से ये मेरे पास आए हैं। बहुत खूबसूरत किस्म का, पुरसकून किस्म का माहौल है, और एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने नोट की है, एक अजीब सी खुशगवार किस्म की खुशबू है। डेफिनेटली आप लगाते होंगे इधर? अजीब डेफिनेटली वाली भी बात नहीं है कि खुशबू इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल इसी तरह खुशबू मैं लगाता हूँ, बल्कि बखूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी लगाई हुई और बखूर की खुशबू से सिर्फ खुशबू है। यहाँ पे मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली चादर मुबारक मौजूद है, और हुजूर का जुबा मुबारक मौजूद है। 2019 में मैं जब बरूनी दारुसलाम गया था, वहाँ पे मैंने जुबा मुबारक की ओपन, मतलब डिस्प्ले किया था, और काफ़ी दुनिया ने वहाँ पे रॉयल फैमिलीज जो है उन्होंने ज्यारत की थी, बिल्कुल इसी तरह। और उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद मैंने पिछले कुछ अरसा पहले अपने घर में जुबा मुबारक खोला था इसी कमरे में, तो पूरे घर में नीचे फ्लोर तक सारी खुशबू जा रही थी इसकी, सिर्फ एक जुबा मुबारक का बॉक्स खोलने से। तो इतनी ज़्यादा खुशबू मेरे ख्याल से किसी इतर या बखूर की भी नहीं हो सकती जितनी तबरुकात की कुदरती, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आती है। मुझे ये बताएं कि लोगों को भी ज़्यारत करवाते हैं इन तबरुकात की या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़्यारत के लिए आते रहते हैं, किसी ने ज़्यारत करनी होती है तो रब्ता कर लेता है, और लोग आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ओपनली, मतलब मेरे पास अगर कोई आ जाए तो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन लोगों को स्पेशली बुलाना या कुछ और मामला करना, मेरे को आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो उस तरफ का किसी किस्म का कोई वो नहीं है। बिल्कुल, देखने वाले भी बहुत समझदार हैं, बकायदा तौर पे कुछ लोग बिजनेस बना लेते हैं इस तरह की चीज़ों को। अच्छा अरसलान भाई, मुझे ये बताएं कि नबी पाक के चाहने वाले दुनिया के कोने कोने पे मौजूद हैं, फिर आपको भी बड़े लोग रब्ता करते होंगे कि हमें ये तबरक दे दें, ये तबरकात में से कुछ चीज़ें हमें दे दें, और बड़ी बड़ी ऑफर्स भी देते होंगे?
जी बिल्कुल, इस तरह है आज के दौर में जिस तरह के मामला चलते हैं हर हवाले से, तो तबरुकात के मामला के अंदर भी बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग कॉल्स करते हैं, ऑफर्स कराते रहते हैं पैसों की और समथिंग समथिंग चलता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है और इस चीज़ से तो बिल्कुल पाक है, क्योंकि हमारी तरबियत में ये चीज़ नहीं है। हमारी तरबियत में तो अदब और मोहब्बत है और बेसिकली मेरा ईमान है, और ईमान और अदब और हुजूर की मोहब्बत को तो मैं यू नो बिजनेस डील नहीं कर सकते हैं। अरसलान भाई, देखने वालों को आप भी पैगाम देना चाहते हैं इन तबरुकात के हवाले से, कुछ बताना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हमारे नाजरीन को नहीं पता हो? नाजरीन को तो सब कुछ ही पता होता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के दौर के अंदर आने वाला दौर बहुत मुश्किल मुश्किल हालात का आ रहा है। मलाइका की जो खुराक है वो अपनी खुराक बना लें, मलाइका की जो खुराक है वो अल्लाह ताला का जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम और दुरूद पढ़ना है। कोशिश करें कि तस्बीह ना छोड़ें, जिक्रुल्लाह को कसरत से करें। की मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।